कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए चार आसन करेंगे। पहला आसन है हमारा अधोमुखी स्वनासन। तो आप दोनों पैर जोड़ के इस तरीके से खड़े हो जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, दोनों हाथों को दोनों साइड इस तरह शोल्डर डिस्टेंस पे खोल के इस तरीके से रखेंगे और पैर ऐसे रखने हैं कि एड़ियां आपकी मैट पे टच हो। और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ देखेंगे, दोनों हाथों के बीच में सर को लेके आना है और अपने नीज को देखना है। इस आसन को आप 5 सेकंड से स्टार्ट करके 10-15 जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतनी देर करना है और यहाँ पे धीरे धीरे सांस लेंगे। वापस आ जाएंगे। हमारा दूसरा आसन है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैरों को अपने हिसाब से खोल लेंगे कि आप कंफर्टेबल हो, फिर राइट लेग को साइड में कर देंगे इस टाइप से कि साइड में पंजे बाहर की तरफ हो और एड़ी अंदर की तरफ, और लेफ्ट को सामने की तरफ रखेंगे। अपने दोनों हाथों को साइड में लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हमें नीचे जाना है और अपने एंकल को राइट हैंड से पकड़ना है, राइट एंकल को, और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ रखेंगे और हम ऊपर की तरफ देखेंगे, सांस रोक के ऊपर की तरफ देखना है। ये भी हम 5 सेकंड से शुरू करेंगे, आपसे जितना हो जितना कंफर्टेबल लगे उतनी देर आपको करना है। अब हम लेफ्ट साइड से करेंगे, लेफ्ट साइड से वैसे ही करना है, लेफ्ट लेग को साइड में निकाल देना है, पंजे बाहर की तरफ हो और आपकी एड़ी अंदर की तरफ हो और राइट लेग सामने की तरफ। तो हम साइड में करेंगे हाथ और लेफ्ट की तरफ जाएंगे और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल को पकड़ेंगे और हम अपने राइट हैंड को ऊपर देखेंगे सांस छोड़ते हुए। वापस आ जाएंगे, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे। अब हमारा तीसरा आसन है, आप मैट पे बैठ जाएंगे, दोनों पैर सामने की तरफ निकालेंगे। ये मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप देखिए बहुत धीरे धीरे करना है इस आसन को। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और अपनी हाथों की उंगलियों से पैर का अंगूठा पकड़ेंगे और एल्बो को मैट के साथ टच करना है और अपने सर को नीज के साथ टच करना है। सांस छोड़ते हुए जाएंगे नीचे। ऊपर आएंगे, बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। इस आसन को भी आपको 5 सेकंड से 10-15 जितना आपसे होल्ड होता है उतना करेंगे। अब हमारा चौथा आसन है हल आसन। हल आसन के लिए आप मैट पे लेट जाएंगे, दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठा देंगे, अब हाथों की मदद से अपने पैल्विस को ऊपर की तरफ उठाएंगे और पैर को सर की तरफ पीछे लेके जाएंगे। और हाथ दोनों कमर पे लगाएंगे, इसको बैलेंस बनाएंगे, सीधा करेंगे, बिल्कुल पैर इस तरीके से सीधे होने चाहिए, ये घुटना मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, पैर सीधे होने चाहिए और हाथों को साइड में रख लेंगे। वापस आ जाएंगे।
राइट साइड से उठ जाएंगे। तो इन आसनों को आपको बहुत ध्यान से करना है और अच्छे से करना है। तो मैं आपको अगली वीडियो के साथ फिर मिलूंगी। नमस्ते।